नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोगों की जो यूजीसी नेट की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है, उसी की सीरीज में आज हम लोग जो जून 2013 में पेपर हुआ था यूजीसी नेट का पेपर वन, उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ आधुनिक भाषा संघ MLA फॉर्मेट के अनुसार लिखा गया है, मतलब रिसर्च में जो फॉर्मेट लिखा जाता है उसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा है जो सही से लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा आंसर नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक कार्यशाला होती है, कार्यशाला मतलब जो वर्कशॉप होती है वो क्या होती है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इसका डी आंसर है, एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्यशाला, वर्कशॉप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्यकारी प्राकल्पना होती है, मतलब जो वर्किंग हाइपोथेसिस यहाँ पे पूछी गई है वो कौन सी होती है? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो हमारा सी आंसर है, कार्यकारी प्राकल्पना क्या होती है? आगे और अधिक शोध के लिए अंतिम रूप से स्वीकार परिकल्पना जो होती है वो होती है कार्यकारी परिकल्पना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो पैराग्राफ आप लोगों को होमवर्क में दिया जाता है, तो ये आप लोग पैराग्राफ पढ़ के इसके कौन से आंसर सही है वो करके लेके आएंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार है, मतलब जो कम्युनिकेशन होता है उसमें कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें व्यवस्थित होती हैं? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सी है, सबसे पहले संप्रेषक, संदेश, माध्यम, फिर रिसीवर, फिर उसका प्रभाव। ठीक, ये आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अखबार बंगाल गजट 1780 में किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये किसके द्वारा आरंभ किया गया था? जेम्स ऑगस्ट हिकी के द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रेस सेंसरशिप किस प्रधानमंत्री के समय अधिरोपित की गई थी? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब इंदिरा गांधी थी तब ये भारत में प्रेस सेंसरशिप अधिरोपित की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर हो गया, टेली शॉपिंग, इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफोनी के माध्यम से संप्रेषण को क्या कहते हैं? तो मतलब नए नए माध्यम हैं उनको क्या कहते हैं? अन्योन क्रिया संप्रेषण, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है? अब देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम लोगों ने जो पिछला पेपर किया था वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एजुटेनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण करता है तो क्या चीज़ होती है जो महत्वपूर्ण होती है? क्या होती है? तदनुभूति, मतलब एम्पैथी। ठीक, यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा। किसी कोड में HBMJC को गालिब को निरूपित करता है, टाइगर किसके द्वारा निरूपित किया जाएगा? तो यहाँ पे इसका आंसर ए सही हो जाएगा, UJHFS के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी क्रिकेट खेल प्रतियोगिता में 45 मैच खेले गए हैं, प्रत्येक टीम ने प्रत्येक अन्य टीम के साथ एक बार खेला है, खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या क्या होगी? तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे हमारा आंसर जो बी है 10 हो जाएगी। ठीक, निम्न श्रृंखला में विलुप्त संख्या कौन सी है इसको हमें पहचाना है, तो ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग सीरीज को सही ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है 270 यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 45 तक की उन विषम संख्याओं को जो 3 से विभाजित हों के आरोही क्रम में रखा गया है, जो राशि क्रम 6 पर आएगी उसकी संख्या क्या होगी? तो उसकी क्या होगी जब इसको व्यवस्थित करेंगे? तो यहाँ पे 33 जो हमारा 33 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
ए बी सी डी चार संख्याओं का माध्य 100 है, यदि सी 70 है तो शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो अब ये माध्य से सवाल पूछा गया है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 110 आएगा। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 50% तक बढ़ जाती है तो उस वृत्त की परिधि किस सीमा तक बढ़ेगी, मतलब किसी की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है तो उस वृत्त की जो परिधि है उसकी सीमा कहाँ तक बढ़ेगी, तो ये भी 50% ही बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि यह अभिकथन कि कुछ व्यक्ति ईमानदार होते हैं असत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य होगा, मतलब ये जो कथन दिया गया है यदि ये असत्य है तो नीचे जितने चार कथन दिए गए हैं इसमें से कौन सा सत्य होगा, तो वही हम लोगों को देखना है। सबसे पहले सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं, कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं होता है, या फिर कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते हैं, सभी व्यक्ति बेईमान होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, आंसर नंबर बी, मतलब जो सेकेंड थर्ड फोर्थ ये तीनों ही सत्य हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोड में दिए गए उचित विकल्प का चयन करें। मधुमक्खी किससे संबंधित है, शहद से, गाय किससे संबंधित है, दूध से, इसी प्रकार शिक्षक किससे संबंधित हो जाएगा, शिक्षक संबंधित हो जाएगा बौद्धिक स्तर, पाठ, अंक या फिर बुद्धिमत्ता, तो किससे संबंधित हो जाएगा, बुद्धिमत्ता से शिक्षक संबंधित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, पी आर के पिता हैं और एस क्यू के पुत्र हैं, टी पी के भाई हैं, यदि आर एस की बहन है तो क्यू का टी से क्या संबंध है। अब ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन हैं, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे आंसर भाभी मतलब सिस्टर इन लॉ सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यवहार को प्रभावित करने या भावनाओं को उद्वेलित करने के जरिए किस विवाद का समाधान करना कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, अनुनयात्मक इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए कौन से कोड सही अभिकथन इंगित करते हैं। यहाँ पे कुछ देखो, वेन जो डायग्राम होता है उससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा हमारा सही हो जाएगा, वेन आरेख चिन्हांकन की स्पष्ट विधि है, वेन आरेख निरुपाधिक न्याय वाक्य वैधता परीक्षण की सर्वाधिक प्रत्यक्ष विधि है, वेन आरेख विधि में आधिकारिकों और निरुपाधिक न्याय वाक्य निष्कर्षों को आरेखित किया जाता है। फोर्थ है हमारा, वेन आरेख विधि में निरुपाधिक न्याय वाक्य परीक्षण के लिए 3 अधिव्याप्त व्रत बनाए जाते हैं, तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, पहला दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट है, आगमनात्मक तर्क निरीक्षण में से किसका पूर्वानुमान है, ये किसका पूर्वानुमान बोला जाता है, मानव स्वभाव में एक रूपता। ठीक है, अब यहाँ पे ये DI से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है उसी के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इनके आंसर बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन 2 वर्षों में कुल बागवानी के कुल क्षेत्रफल में उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की गई है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है, कुल बागवानी के अंतर्गत क्षेत्रफल में फूलों सब्जियों और फलों के लिए क्षेत्र का भाग है, तो ये इसका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, 38% और 30%। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, वर्ष 2005-2006 से 2009-2010 के दौरान क्षेत्रफल में निम्नलिखित में से किस में उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की गई है, तो किस में की गई है, जो हमारा फूल है उसमें उच्चतम वृद्धि पर दर दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, वर्ष 2005-2006 से 2009-2010 तक किस बागवानी फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल में लगभग 10% की वृद्धि हुई है, तो किस में हुई है, जो हमारी सब्जियां हैं उनमें हुई है ये वृद्धि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2007-2008 में कुल बागवानी के अंतर्गत क्षेत्रफल में फलों सब्जियों और फूलों के क्षेत्र का क्या भाग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 68%। किस वर्ष फलों के क्षेत्रफल में उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की गई है, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2006 और 2007 में। ये हमारे DI के क्वेश्चन हो गए, इसके बाद ये हमारे IIT के यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं।
डब्लू 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 से तात्पर्य क्या है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक हार्ड डिस्क ट्रैक में विभाजित होती है जिसे निम्नलिखित में और उपविभाजित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सेक्टर, मतलब उसको और सेक्टर में भी विभाजित किया जाता है। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्य वार मशीनी भाषा में अनुदित करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक गीगाबाइट निम्नलिखित के बराबर होता है। यहाँ पे देखो ये चेंज होने को आया, ये ऐसा क्वेश्चन पिछली जो प्रीवियस हुआ था मतलब 2012 का उसमें भी पूछा गया था, तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाएगा, 1024 मेगाबाइट। नेक्स्ट है, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है, मतलब जो कंपाइलर है वो क्या क्या परिवर्तन करता है, तो क्या करता है, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में ये चेंज करता है। नेक्स्ट है, वास्तविक मेमोरी है, मतलब जो वास्तविक वर्चुअल मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, तो अति विस्तृत मेमोरी उसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत निम्न में से किसके संदर्भ में है, ये किसके संदर्भ में बोली गई, ट्रेजडी ऑफ कॉमन्स, ये किसके संदर्भ में है, यहाँ पे नवीनीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय। ठीक, नेक्स्ट हमारा कीटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, अब ये हमारे जो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट हमारी टॉपिक है या यूनिट है उससे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये किससे संबंधित है, जो हमारे जलवायु परिवर्तन होता है उससे ये संबंधित होता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृष्ठीय ओजोन की प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन स्रोत कौन सा होता है, तो यहाँ पे कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा, परिवहन क्षेत्र। ठीक है, भारत के शहरों में धूम में मुख्यतः शामिल होते हैं, जो स्मॉग होता है उसमें क्या क्या शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अंजले हाइड्रोकार्बन। ठीक, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है, तो किससे सबसे अधिक संभावना होती है, जो अकाल और बाढ़ होता है उससे सबसे अधिक खतरा होता है। भारत में विद्युत उत्पादन में नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रतिशत कितना है, तो ये कितना है, 10-12% इसका योगदान रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2010-11 में उच्च शिक्षा में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के विद्यार्थियों का नामांकन निर्धारित आरक्षण श्रेणी के प्रतिशत से अधिक था, तो किसका था, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी या फिर अनुसूचित जाति के विद्यार्थी या फिर क्या है, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी या फिर महिला विद्यार्थी, तो किसका था, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी थे उनका। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, मतलब जो UGC है हमारा उसके संदर्भ में पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है देखते हैं यहाँ पे। इसे 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, ये तो सही है। इसे उच्च शिक्षा की उन्नति और समन्वय का कार्य सौंपा गया है, ये भी सही है, मतलब हायर एजुकेशन पे काम करता है। इसे केंद्र सरकार से योजनागत और गैर योजनागत नीतियाँ प्राप्त होती है, राष्ट्र विश्वविद्यालय के लिए इसे राज्य सरकारों से निधियाँ प्राप्त होती है, ये सही नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार से ही प्राप्त होती है, राज्य सरकार से ये प्राप्त नहीं होती है, सेंट्रल लेवल पे काम करता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें जिसका संबंध में दो तर्क दिए गए हैं, तो यहाँ पर कथन देखते हैं, मतलब ये एक कथन दिया गया है, ये इसके दो तर्क दिए गए, क्या भारत को द्विदल पद्धति अपना लेनी चाहिए, तो तर्क क्या है, हाँ इससे सरकार में स्थिरता आएगी। सेकेंड तर्क क्या है, नहीं इससे मतदाताओं की पसंद सीमित हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाएगा, दोनों ही यहाँ पे तर्क सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन तथा दिए गए तर्क एक और दो पे विचार कीजिए, यहाँ पे फिर से ये कथन दिया गया उसके दो तर्क दिए गए, आपको बताना है कौन सा सही है, क्या आपराधिक
पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तो तर्क क्या दिए गए, हाँ यह राजनीति के अपराधीकरण को रोकेगा, ठीक है। सेकेंड है, नहीं, इससे शासित दल को अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध तुच्छ मामले फाइल करने में प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, वहाँ पे तर्क नंबर एक है वो सही है, दूसरे तर्क का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? जो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में पूछा गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, एक तो ये कथन हो गया। उसके बाद है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, एक ये हो गया। फिर इसके बाद, किसी भी जांच के लंबित रहने तक उसे निलंबित किया जा सकता है, उसे दुर्व्यवहार से धोने या अक्षमता के कारण हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, जो हमारा पहला और चौथा है वो कथन सही है, बाकी ये दोनों गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। पूर्वता अधिपत्र में लोकसभा अध्यक्ष किसके बाद आती है? तो ये किसके बाद आती है, प्रधानमंत्री के बाद आती है। शिक्षक के द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है, शिक्षण सामग्री को श्वेत श्याम रूप में लिखना, विद्यार्थी को एकाग्र चित्र बनाना, महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना, या फिर शिक्षक द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करना। तो यहाँ पे आंसर इन चारों में कौन सा सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि क्या है? तो क्या है, स्वतः अध्ययन, आमने सामने अध्ययन, ई लर्निंग या मिश्रित अध्ययन? तो यहाँ पे मिश्रित हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सेल्फ स्टडी भी करते हैं, इसके अलावा हम लोग कितने सारे प्लेटफॉर्म हो गए, जैसे यूट्यूब हो गया, या फिर स्वयं स्वयं प्रभा, इन सबसे भी अपनी लर्निंग करते हैं। NIOS की कितने सारे वेबसाइट वगैरह हैं जहाँ से हमें ऑथेंटिक जो भी हमें डेटा चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे आजकल सब मिश्रित चल रहा है, मतलब हम लोग किसी भी प्रकार से सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होने चाहिए, क्योंकि? तो इसमें कौन सा, बच्चों को पुरुषों से बेहतर पढ़ा सकती हैं, पुरुषों से बेहतर मूल विषय वस्तु की जानकारी होती है उन्हें, या कम वेतन पर उपलब्ध हो जाती हैं, बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं? तो क्या हो गया, ये है कि महिलाएं बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं कंपेयर टू जो हमारे मेल शिक्षक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो कौन सा है, श्रृंखला अध्ययन, समस्या समाधान अध्ययन, उद्दीपन अनुक्रिया अध्ययन, या फिर सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन? तो कौन सा है, जो हमारा सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन है, मतलब कंडीशन रिफ्लेक्स लर्निंग, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब, मतलब कब आनंदित होता है, उसके विद्यार्थियों पर नियंत्रण हो, विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करना, अपने सहयोगी की अपेक्षा अधिक योग्य होता है, या फिर उच्च प्राधिकारियों के बहुत समीप होता है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं, इसका अभिप्राय है कि शिक्षक को पढ़ाते समय रेखा चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, कक्षा में अधिक से अधिक बोलना चाहिए, कक्षा में शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, कक्षा में अधिक नहीं बोलना चाहिए? तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, कक्षा में शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है, एक शोध पत्र होता है, मतलब जो रिसर्च पेपर है उसके बारे में पूछा गया है, किसी विषय पर सूचनाओं का संकलन होता है, लेखक द्वारा माना गया मूल शोध निहित होता है, समकक्षी पुन रचित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है, एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा, समकक्षी पुनरचित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है? अब रिसर्च एथिक्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा। संपादकों को बताए बगैर एक ही शोध पत्र को दो शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करना,
ठीक है, एक तो ये साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। किसी शोधपत्र में अपने तर्कों पर चर्चा किए बिना ही आंकड़ों से रूपरेखा को व्यवस्थित करना। शोधपत्र में किसी भी सहयोगी को उससे कृपा दृष्टि पाने हेतु लेखक के रूप में शामिल करना, भले ही उसे सहयोगी ने शोधपत्र पर कोई बड़ा योगदान न किया हो। तो इन चारों में कौन सा आंसर सही लग रहा है? यही सही लग रहा है, और बाकी सब निगेटिव पॉइंट की तरफ इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिदर्श प्रणालियों में से कौन सी संभाव्यता पर आधारित नहीं है? यहाँ पे हमारा सैम्पलिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? जो कोटा प्रति सैम्पलिंग होती है वो किस पे आधारित नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी पे वो आधारित नहीं होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, ये हम लोगों के पिछले तीन प्रीवियस ईयर हो चुके हैं, और इसमें कुछ भी सुझाव है तो आप लोग दे सकते हैं, और कोई क्वेश्चन आंसर आपको लगता है कि नहीं ये सही होना चाहिए तो वो भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके। इसी प्रकार और प्रीवियस ईयर के लिए बने रहिए HN अध्ययन से। धन्यवाद।